नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल, जब से नौतपा चालू हुए हैं तब से सूरज आग बरसा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में गर्मी से निजात मिलेगी। इन दिनों सबसे गर्म क्षेत्र है खजुराहो, गुना, शिवपुरी, होशंगाबाद, भोपाल। आगामी दिनों में तेज हवाएं चलेंगी और कई जगह बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हो सकती है। रिकॉर्ड किया गया था और इन जिलों में और प्रदेश के बाकी रीवा संभाग में और राजगढ़, रायसेन, इन जिलों के में भी लू की स्थिति बनी हुई थी। आने वाले दिनों में लू की स्थिति से निजात मिल जाएगी, तापमानों में गिरावट देखने को मिलेगी और 1 जून के बाद से प्रदेश में वर्षा की बौछारें देखने को मिलेगी। होशंगाबाद संभाग, उज्जैन और इंदौर संभागों में हमें जून के जो पहला सप्ताह होगा उसी में हमें अच्छा खासा बरसात और उससे जुड़ी हुई गतिविधियाँ मिलने लगेंगी। तो ये लू की जो स्थिति है उससे प्रदेश को आने वाले 48 घंटों के बाद राहत मिल जाएगी और प्रदेश में तापमान जो है वो सामान्य हो जाएंगे। भोपाल की स्थिति की बात करें तो भोपाल में आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास जा सकता है और न्यूनतम तापमान 27-28 डिग्री रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी भोपाल का तापमान 42 के आसपास बना रहेगा और 1 जून के आसपास है भोपाल में लगातार वर्षा की गतिविधियाँ होती रहेंगी जिससे तापमान सामान्य हो जाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.